फिर से मारुति 1000। जग्गू हाँ, लगता है मारुति का नया मॉडल लोगों को बहुत पसंद आया है, इसलिए रास्ते पे कई सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है। अच्छा, ऐसा तू कहता है पंडरपुर, लेकिन तू भी अंधा और मैं भी अंधा, इसलिए तू जो कुछ भी कहेगा मैं हाँ में हाँ कहूंगा। अरे कुछ भी मत बोल जग्गू, आंख बंद होने पर भी मैं पहचान सकता हूँ, गाड़ी की फायरिंग से पहचान लेता हूँ कि कौन सी गाड़ी है, कान काट कर अलग करने पर भी पहचान लूंगा, किसी भी गाड़ी के पूछ कितने नट कितने बोल्ट, नींद में भी बता सकता हूँ मैं। अच्छा तो बता, पीठ में कुल कितने नट होते हैं? कितना घटिया सवाल पूछा तुमने, इसका जवाब मैं तुझे रात में दूंगा, बेड पे मिल। आइए काले जी, वेलकम टू ब्लाइंड मैन्स क्लब। आवाज से चौंकिए मत, क्योंकि आपके सिर के ऊपर यानी के दरवाजे के ऊपर एक स्पीकर लगा है और मेरी आवाज उसी में से आ रही है। दरवाजा खुला है, आप सीधा धक्का देकर भीतर आइए। अच्छी बात है, आप भी आता हूं मैं, बड़ा मजा आएगा। बहुत अच्छा काले, बहुत अच्छा, आप परीक्षा में उत्तीर्ण हो गए। चलिए उठिए उठिए। अरे ये क्या मजाक है, कितना जोर से गिरा मैं, अगर हड्डी उड्डी टूट जाती तो। अरे दरवाजे से कमरे का फर्श 5 फीट नीचे है काले। क्या? नहीं कुछ नहीं, यानी कि दरवाजे के आगे एक बहुत बड़ा स्पीड ब्रेकर है। हाँ। गाड़ी को एक्सेलरेटर दिए बिना अंदर नहीं जाती। या और भी कोई है? दो है काले। परिचय जल्दी होगा, आप आइए। देखिए आपके पीछे जो चारपाई है तो सामान चारपाई के नीचे रख दीजिए। चाय तो पीते हो गया? नहीं, दारू पीते है। शराब कौन बोला? मैं दारू नहीं पीता। अच्छा अच्छा, शराब सर, शराब नहीं मिलेगा। अच्छा अच्छा, हाँ चलो चाय बनवा के लाता हूँ। ठीक है, आप चाय पीता हो? लेकिन क्या है कि काफी देर हो गई, मस्त सर्दी का मौसम है, ठंडा ठंडा कूल कूल। कॉफी मैं नहीं बनाता कल, कॉफी उत्तेजक पेय होने से मैं उससे बचता हूँ, लेकिन अगर आप स्वयं बना लेते हैं तो फिर मुझे कुछ नहीं। बाबा आप ही बनाइए, मैं नहीं बनाऊंगा, आप चाय बना कर। चलिए अच्छी बात है। चलिए ओ सेवा ती तिजोरी भक्ति का सुनेदार देवा आता उधार। कॉफी पीने से किस तरह की उत्तेजना होती है? कॉफी पीने वाले व्यक्ति का पांव ब्रेक की अपेक्षा एक्सेलरेटर पर ज्यादा रहता है, इसलिए गाड़ी पर नियंत्रण नहीं रहता, ऐसा केंद्रीय मास्टर कहते हैं। लगता है मास्टर कभी कॉफी का मजा ही नहीं चखा। नहीं मास्टर एकदम वर्जिन है। वर्जिन? अरे पूरे ब्रह्मचारी। ओह ब्रह्मचारी है। छोटी मारुति, छोटी मारुति जग्गू, छोटी मारुति। हाँ। अरे वो बाहर की गाड़ियों के बारे में बोल रहा है काले। ओ वैसे आप तो आप जैसे ब्लाइंड मेंस क्लब के मेंबर। लेकिन आप आए कब हैं? मैं मेरे घुटने की चोट भर गई, इसलिए 15 दिन हो गए। अच्छा घुटने की चोट? हाँ काले, 5 फीट की परीक्षा मैंने भी उत्तीर्ण की। अच्छा ये बड़ा परीक्षा। लेकिन एक बात जरूर है कि मास्टर क्लब बढ़िया चला था, मनोरंजन की 100% गारंटी किसी ना किसी तरीके से हो। अभी देखिए ना, जैसे आपके भीतर आने से हुई। अरे भीतर आने से नहीं, भीतर गिरने से। वही वही, लेकिन उसमें भी हमारा भरपूर मनोरंजन हुआ। काले जी आप फिक्र मत कीजिए, हमारी एंट्री भी कुछ इसी तरह हुई थी, विदाउट साइलेंस। अरे भरपूर मजा आप लोग को मिला होगा भाई, मुझे नहीं, मुझे तो बहुत जोर चोट लगी थी कमर में, देखिएगा। जाइएगा। अरे आप देखेंगे कैसे, मैं तो सब हम बंदे
चलिए महसूस कीजिए, फील कीजिए। वैसे आप पसंद करते हैं क्या? हाँ, क्या बात है, ये बड़ी अच्छी आदत है। अरे उसकी और भी कई अच्छी आदतें हैं। अच्छा, आपको धीरे धीरे सब मालूम हो जाएंगी। हो सकता है शायद आपको पता लग भी गई हो। यहाँ आपका भरपूर मनोरंजन होने वाला है। क्या किया बे? काले 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 गोरे नहीं हूँ। काले काले आप ब्राह्मण है या मराठा? क्यों क्यों जाति क्यों पूछते भाई? अरे ऐसे ही पूछा भाई। वो क्या है कि नए परिचय के बाद बातचीत करने में जरा दिक्कत आती है। अच्छा, बात अगर जाति पाति से की जाए तो बेहतर है। वैसे जाति गोरी हो या काली, अब जिस बदनसीब को दिखाई नहीं देता उसे क्या फर्क पड़ता है। अच्छा बाबा, मैं बता देता हूँ, मैं ब्राह्मण। होने दीजिए होने दीजिए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। ये क्या बात होगी काले? तेरे हेडलाइट्स का फूट है। अरे बाबा मैं गाड़ी में नहीं आया बाबा। अरे काले, वो पूछ रहा है काला चश्मा कब से लगाते हो। काला चश्मा? अरे काले जी, आप अंधे कब से हुए? देखिए मैं 20 साल की उम्र से अंधा हूँ। अच्छा, इसने अपनी आंखों का इस्तेमाल आखिरी बार 2 साल पहले किया था। तो कहने का तात्पर्य ये है कि आपके हेडलाइट्स कब फूटे। कश्मीर में आए हैं क्या? अरे बाबा सर्दी का मौसम है ना, अब गर्म लग रही है। ये भी तो आ रही है, बर्फ पड़ रही है। बस यही 2 साल पहले मेरे हेडलाइट्स फूट गए, समझे कि नहीं? हाँ, बेटे के स्पॉन्डन के समय हुआ था ये सब। अच्छा, आपको एक बेटा भी है काले? हाँ भाई। अरे वाह काले, वाह, हमारी शादी नहीं हुई और आपकी गाड़ी का रनिंग तो बहुत ही अच्छा है। हाँ भाई। काले, बेटे के मुंडन में ऐसा क्या कर रहे थे जो आंखें गंवानी पड़ी? लेकिन गंभीर हुए बिना बताना, नो सीरियस टॉक। अरे भाई विदाउट गंभीर हुए तो मैं बता ही नहीं पाऊंगा। अरे अरे बेफिक्र रहिए काले जी। हाँ बेफिक्र रहिए, इसकी बातों पर ध्यान मत दीजिए। आपकी गाड़ी अगर लाइन से इधर उधर हो गई तो हम खींच कर वापस ले आएंगे। चलिए घुमाइए चाबी। मैं बताता हूँ। तो सुनिए, अरे बाबा ये बीमारी का नाम है। ओ बाबा जी ना, शट अप बाबा जी। ये क्या तरीका? अरे बाबा ये आंखों की बीमारी है। ओ आंखों का बाबा जी ना। मैं नहीं बताऊंगा, मैं नहीं बताऊंगा काले। नहीं, अरे आप गुस्सा मत होइए। अरे नहीं नहीं बताऊंगा मैं, ये क्या तरीका? मैं सीरियस टॉक कर रहा हूं। मैं वो मजाक कर रहा हूं। माफ कर दो, माफ कर दो। आपको कभी बवासीर होता है क्या? नहीं नहीं नहीं। ए ए कचू चुप रह, बता रहे थे आप, बताइए। माफ कर दो, माफ कर दो। अब तो सुनिए, थोड़ा गंभीर हो जाइए भाई, गंभीर गंभीर कर रहे हैं। पंडर बोल जाता हूँ, नीति के खेल भी कितने अज्ञात होते हैं। हम जिसके बारे में सोच नहीं सकते वो प्रत्यक्ष होता है। आसपास मंडराने वाले हवा के अनजाने तूफान में बदल जाते हैं, जिसमें अतीत की चीज नजर नहीं आते और उसे ढूंढने का कोई मतलब नहीं होता, क्योंकि क्योंकि उसे ढूंढने के लिए हमारी गाड़ी में हेडलाइट्स नहीं होते। हाँ ये बात सही है। फॉरगेट इट काले जी, अब गाड़ी में कोई ना कोई पुर्जा तो खराब रहेगा ही, लेकिन मुख्य इंजन सही रहना चाहिए। काले मुख्य इंजन वो बोल रहा है जो संक्षेप में वो जो महत्वपूर्ण है वही बताओ। ऐसा वो कहना चाहता है। अरे बाबा कहीं बड़ा हुआ उसी दिन मजबूत था, कभी बोलने की इच्छा थी, आज मौका मिला चकता बोल दिया, और क्या बात। क्या बात करी काले, ऐसे आपका अंदाज तो बहुत सराहना है काले। अरे ये तो कुछ भी नहीं चकता। मैंने बेटे के मुंडन के समय बहुत अच्छा आयोजन किया था, मैंने और मेरी पत्नी ने मिलकर मन लगा कर तैयार की थी,
सभी रिश्तेदारों परिजनों और दोस्तों को मैंने आमंत्रित किया। कुछ लोग आए भी थे मेरे बेटे के मुंडन के लिए। लेकिन ठीक समारोह के समय ये हादसा हो गया। अचानक मेरे दोनों आंखों से दिखना बंद हो गया। मैंने डॉक्टर बुलाया, उसने साफ कह दिया बायलेटरल रेटिनल डिटैचमेंट और यदि कि एक आघात में सारा जीवन तहस नहस और बहनों के बेटे देश को सब देखने की इच्छा रही। अरे बहुत बुरा हुआ काले जी। हाँ बेटी बहुत बुरा हो गया मेरे साथ। बहुत दुख भरी कहानी है आपकी जी। उसी वक्त से मैं आज तक अंधा हूँ। पंडरपुर दान का समय शुरू होने वाला है। आ, 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 पता चलेगा। ए, ए, उठ उठ उठ, दस बज गए, दान का समय शुरू हो गया। उठ सुंदर ब्यूटीफुल लड़की कभी हम युवती को नहाते हुए सुना है? हाँ क्योंकि देखना तो नसीब में है नहीं, सुनना और सूंघना। इसमें केवल सुख ही सुख है। वैसे आपकी उम्र कितनी है काले? बस मैं सच बता रहा हूँ 40-42। फिर तो आपको बहुत ही मजा आएगा। वो आ गई आ गई। कुछ ही क्षणों में स्नान शुरू होने वाला है काले। रघु रिकॉर्डर तैयार है ना? रिकॉर्ड क्यों? अरे ए स्नान से पहले नाट्य संगीत काले। अच्छा। आपको लगेगा कि संगीत नाट्य की डटी आ रही है। लो 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 लो। लेकिन मेरी बात सुनो। हाँ मेरी बात सुनो। लेकिन मैं कहता हूँ ये सब गलत बात है। अरे शट अप यार। लेकिन लेकिन कुछ नहीं। तो खड़े होकर कान लगा याद है ये कान। सीधा उसने बाथरूम में प्रवेश कर लिया है काले। सच्ची उसने बाथरूम का दरवाजा बंद कर दिया है काले। अब सना हट इसीलिए बोलो वहां भाई डिस्टर्बेंस हो रहा है। हाँ 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 हाँ
आप खुशबू सुनिए तो सही, तभी समझ पाएंगे। देखिए अब उसने अपने बदन पे साबुन लगाना शुरू कर दिया। खुशबू आ रही है काले? आ रही आ रही आ रही। कैसा लग रहा है? रूम रूम से खुशबू आ रही है, रूम रूम से खुशबू आ रही है। संतूर संतूर संतूर। ए शट अप, क्या संतूर संतूर संतूर? ये अधीर होकर चलाइए मत। उसने सुन लिया तो कल से नहाना छोड़ देंगे, आपके चक्कर में हमारे भी लग जाएंगे। काले अब धीरे से आपने बाथरूम की कुंडी खोली। मैं? हाँ, अब आप धीरे से दरवाजे के अंदर घुसे। अरे अंदर नहीं घुसा। अब वो युवती नहाते हुए आपको देख रहा है। दो कदम आपने लिए, दो कदम उसने लिए। अब आपकी तरफ बढ़ते हुए आपकी शर्ट का पहला बटन खोलती है। बटन अनबटन, बटन अनबटन, धीरे धीरे आपकी पैंट के बाहर। क्या हुआ, क्या हुआ? पैंट पैंट कृष्ण सामान लगा के नहीं? डोंट डिस्टर्ब मी। अबे ओ तू फोन हो गया, डिस्टर्ब के बच्चे क्या खत्म हो गया? ए पंडरपुर आजा आजा, चार काले को नीचे। हां अरे भाग हो गए। शरीर पहुंच रही होगी ना? लेकिन शरीर की आवाज सुनाई जितने लंबे कान थोड़ी है हमारे। हाँ लेकिन अपने पास माइक्रोफोन है ना? हाँ, अगर वो टर्किश टावर से पहुंच रही होगी तो निश्चित रूप से कैच की जा सकती है। टर्की काले, टर्किश टावर। अबे वो तुझे टर्की बोल रहा है। अरे टावर से क्या होगा, सिर्फ घर घर की ध्वनि ही सुनाई देगी। हाँ बुरी बात है, सही कहा। चलिए एक महीने की फीस के पैसे एक ही अस्त्र में वसूल हो गए। सांस ले गया आप। इसे रोजाना नहाने की आदत है, ये हमारे लिए खुशकिस्मती है। बिल्कुल सही कहा आपने। ए सारे पंडितों को ही देखो, इस बाजू की महिला के कारण साल भर भी ना आया हो तो गनीमत समझो। अच्छी डिस्कशन। ये महिला 70 साल की है फिर भी कितनी दवाई बता रही है। अच्छी कल्पनाओं के जरिए मनोरंजन करना या करवा लेने में हर्जी क्या? अब रोज 10 बजे सुबह स्नान की आवाज आती, अब कौन स्नान कर रहा है ये हमें तय करना। अब बाजू के घर में कुत्ते भी नहलाते होंगे तो हमारे लिए सुंदर युवती है, ये सोचने में हर्जी क्या? और ये बात सही है आपने, बिल्कुल सही। छोड़िए काले, वैसे आपको सिनेमा दिखाने पसंद है? हार्ट अटैक से मत मर जाना।
संस्कृत रूप से हो तो समझे। हाँ बात तो सही कहा आपने। क्या समझे? अच्छा समझाइए, समझ नहीं पा रहे हिंदी तक। गाने समझ आते हैं। देखिए गाने क्या है, हमारी जो नई युवा पीढ़ी है तो उनके लिए सेक्स एजुकेशन होना चाहिए। सेक्स होना चाहिए। हाँ पंडरपुर में बताएं बहुत गंदे बच्चे लोग हैं। देखिए लेकिन वो सही तरीके से हो तो चलिए आपकी चाय हो गई। समझ गया। चलिए और ये पापलेट तो खाते होंगे आप। रुकड़ है क्या बोला आपने? अरे खाएं। अरे पापलेट बाबा, आज भोजन में पापलेट का मेन्यू है। हाँ मस्त खाता हूँ ना मैं। खाता हूँ। लेकिन अगर आप पॉपलेट नहीं खाते तो मैं आपके लिए बटाटे वड़ा बना देता हूँ। खाता हूँ ना मैं। बनाता हूँ बाबा, बनाता हूँ। मजाक कर रहा। छी 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 काले छी, ये धुआं दूसरी ओर छोड़े। और स्क्वायर की गन तेज होती है बाबा। काले काले गाड़ मान से भाई, सिगरेट के धुआं से बता दिया ब्रांड कौन सा है। क्या बात काले। एक बात ध्यान में रखना, अंधे की आंखें भले ना काम करती हो लेकिन उसके सारे पुर्जे टन टन काम करते हैं काले। ए काले क्या लो, संस्कृति में चलेगा लगता है। बस ये नॉनवेज जोक था। अरे काले मेरे कहने पर हंसे या जोक समझ आया इसलिए? बाबा मैं कम से कम एक चुटकुला सुनने में तो सोता ही नहीं हूँ। तो ज्यादा चुटकुला सुनता हूँ मैं रात।
पहले मैं अपने 5 साल होता था, आज के उन्हें पता है जी। पत्नी सुनाती है, वेज सुनाती है, नॉन वेज? शट अप, डोंट टॉक लाइक दिस। तुम तो बहुत कर रहे हो, तुम तो बहुत है, ये क्या तरीका है? मतलब नॉन वेज मास्टर मास्टर काय झालं बाबा, काय झालं काय झालं? अरे मग दोन बात करताय लोक, चलता है ना? चलता है, चलता है, चलता है इतना तो चलता है। चला पंडरपुर, समय हो गया, चला। मास्टर हाँ मास्टर हाँ बोलो। सामने के रास्ते पे एक एम्बेसडर खड़ी है, उसके स्टार्ट होते ही चलेंगे। काले हाँ, काले हाँ बोलो ना बाबा। आपको शायद मालूम नहीं लेकिन मुझे गाड़ी की बैक फायरिंग सुनने में बड़ा मजा आता है, लेकिन हमेशा सुनने में मिले ऐसा जरूरी नहीं। लेकिन आज किस्मत आजमाने में हाजी क्या है? मेरे पास रहो, चलाने आई क्या? आप प्रेम चोपड़ा है, युक्ति नहीं आएगी। मास्टर काले का शगुन तो बड़ा ही तीन है। काले आज गाड़ी ने एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बैक फायरिंग दिए। अच्छा फिसक फिसक चलो आपका फिसक फिसक हो गया हो तो 11 बजे तक वापस भी आना है हमें, खाना बनाने। अरे बाबा आप लोग कहाँ जा रहे हैं? अरे मछली पकड़ने के लिए काले, खाओगे नहीं? क्या मछली पकड़ के लाएंगे? अरे बाबा काले, खाना बनाने वाली मछली पहले लाकर रखी हमने, वो तो बस एक दिखाने का बहाना है। अच्छा अच्छा अच्छा, अरे सिगरेट बुझा दीजिए, कब से बुझ रही है? वो क्या है काले, यहाँ पीछे एक तालाब है, उस तालाब में मछली फांसने का कांटा डालकर बैठना मुझे अच्छा लगता है काले। उतना समय मुझे मिल जाता है ध्यान और चिंतन करने का। काले यहाँ तालाब में कांटा डूबा तो वह हम अपने मन के तालाब में डूब सकते हैं, इसमें अपूर्व आनंद मिलता है काले, ध्यान और चिंतन करते रहना। काले जीवन रहस्य की मछली कब कांटे में फंसेगी कह नहीं सकते, अब आप देखिए ना, बुद्ध को पेड़ के नीचे मिला तो रामदास को शादी के वेदी के पास मिला, तो हो सकता है मुझे किसी तालाब के किनारे मिल जाए। क्या बात है, आपको तो कभी होना चाहिए, बनते बनते रहे। और पंडरपुर जी आपको क्या मिलता है? मैं कल जी कल मैं मास्टर के पास बैठकर गाड़ियों के हॉर्न सुनता हूँ, शायद मुझे मेरे जीवन का रहस्य किसी हॉर्न में मिल जाए। वाह पंडरपुर वाह, चला पंडरपुर चला। ना मास्टर ना, आज मैं आपके साथ नहीं जाऊंगा, आज मैं अपने नए मेहमान काले के साथ रुकूंगा। अच्छा हाँ सही कहा, मेहमान जो भगवान का रूप होता है, दोनों मिलके अच्छे से ख्याल रखना। हाँ मास्टर बेफिक्र हो जाइए, इनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, पूरा पूरा रखना। बाबा ध्यान ही रखना, अपन गड़बड़ मत करना। मास्टर समझा के जाओ सबको, मास्टर गया सब नॉन वेज लोग है। अरे डर गए, अरे मैं बोलता हूँ कसरत मत कीजिए आप, चोट लग गया? लगी। क्या लगी, कहाँ लगी? टट्टी का। छी छी छी। अरे कितनी बार कहे गंदे पराठे मत खाए, दबा दे यहाँ से। काले बात से मन काले का बाबा कुछ गड़बड़ तो नहीं होने वाला, सब लोग जा रहे इधर से, कुछ गड़बड़ तो नहीं होगा? अरे नाम बन जाना, आप मत जाना, चलिए ये बात तो सिगरेट पीछे देखा। मैं सिगरेट नहीं पीता, सिगरेट सेहत के लिए हानिकारक। कितने अच्छे विचार हैं आपके। मेरी सलाह में आप भी सिगरेट मत पिया कीजिए,
वरना भगवान को कब प्यारे होंगे पता नहीं चलेगा। भगवान को प्यारे जब मैं छोड़ दूंगा अभी से बतवा दे रहा। अच्छा ठीक है बाबा, सिगरेट बंद कर दूंगा। अच्छा मैं आपसे एक बात पूछूं? हां पूछिए। कोई आपत्ति तो नहीं होगी ना? आप मेरे मेहमान, कैसी आपत्ति पूछिए। आप अंधे कैसे हो गए? वो सिर्फ कहने के लिए था, अमल करने के लिए नहीं। लाइए सिगरेट पीजिए। ऐसा कैसा है? अरे वो क्या है कि सीरियस बात करते वक्त मैं सिगरेट का उपयोग करता हूँ। सिगरेट से गंभीर माहौल तैयार होता है। काले जी, मुझे कैंसर। पंडरपुर, आपको मजाक करने की आदत है, कुछ हल्के फुल्के विषय में बात करते हैं। मैं सच कह रहा हूँ काले, मुझे कैंसर, वेलिंगटन एस्टोसाइट्रोमा, ब्रेन ट्यूमर। आई एम वेरी सॉरी पंडरपुर। आप अपनी सहानुभूति अपने पास रखिए और मैं जो कहने जा रहा हूं उसे ध्यान पूर्वक सुनिए। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है आपके लिए। काले, मनुष्य के दिमाग में गहरे भीतर अर्थात दिमाग के सेंटर के आगे पीछे कहीं ना कहीं एक ऑप्टिक काइज्मा होता है। आंखों को रोशनी की संवेदना देने वाली वो दो नर्व्स जहां क्रॉस होती है ना, वो जंक्शन, डॉक्टरी भाषा में उसे ऑप्टिक काइज्मा कहते हैं। सभी मनुष्य के दिमाग ठीक उसी तरह मेरे दिमाग में भी, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि किसी डाल पर बैठे कौए की भांति मेरे ऑप्टिक काइज्मा पर वेलिंगटन एस्टोसाइट्रोमा बैठा। दिन ब दिन इसका आकार बढ़ता जा रहा है काले, पिछले एक साल में यह बढ़ता गया और मैं धीरे धीरे अंधा होता गया। काले काले, आप समझ रहे हैं ना काले? जी समझ रहे हैं। हम अंधे हैं, देख नहीं सकते, लेकिन कल्पना कर सकते। वो नर्व, वो जंक्शन जहां पर वो दो नर्व क्रॉस होती, वो कैसा दिखता? उस जंक्शन पर एक गट्टू बैठा। जी मॉलिक्यूलर एस्ट्रोसाइटोमा, सही है? जब शुरू हुआ तो चने के आकार का, तब कोई तकलीफ नहीं थी इससे पहले। तो चने का मटर हुआ और मटर का कंचा, धीरे धीरे आंखों के किनारों से दिखना बंद हो गया। कल पहले कभी सड़क पर जाते हैं तिरछी निगाहों से लड़कियों को ताड़ लेते, लेकिन अब तिरछी निगाह करने पर अंधेरा ही दिखाई देता है। काले, धीरे धीरे ये अंधेरा सेंटर की ओर बढ़ने लगा, शटर की तरफ। तब तक कंचे का आंवला बन चुका था। आप समझ रहे हैं ना काले?
नहीं सुनिए तो काले, जब आपकी जिंदगी में बहुत तकलीफें आती है ना तो सबसे पहले अपने साथ छोड़ दें, अपने मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हो। फिर डॉक्टर आदि जांच शुरू हुए, खून पेशाब सब टेस्ट हुए, एक उम्मीद थी, सब सब प्रॉपर चैनल से हुआ कल, अंत में दिमाग का स्कैन हुआ, कागजी नींबू बन चुका। डॉक्टर ने ट्यूमर नॉन ऑपरेशनल बताया। रेडिएशन से एक दो स्कैन पड़ेंगे, लेकिन रेडिएशन की तकलीफ उठाएगा कौन खाले, कौन उठाएगा? रेडिएशन से बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ। पंडरपुर जी, मैं रेडिएशन के बारे में सुन रखा है, बाल झड़ना, उल्टी, खून। मुझे पता है रेडिएशन के बारे में, लेकिन मुझे सच पूछे तो मुझे सही से जानकारी नहीं है। पंडरपुर जी, आपको भी जानकारी खामोश क्यों काले? ए पंडरपुर, मैं तो बोला ना अपनी बीमारी के बारे में किसी को मत बताया। तेरे काले नाराज हो गए, अब जा, मास्टर मछली पकड़ने गया अभी तक नहीं आया, देख कहीं नदी में डूब तो नहीं गया। अंधा मछली पकड़ने गया। अंधा ना, साले पंडरपुर ने तो आप सारा मूड ही खराब कर। नहीं नहीं कोई बात नहीं, चलिए सुख दुख जीवन में होना चाहिए। चलिए अब रोमांस की बातें करते हैं। रोमांस की बातें? अच्छा, कामा सूत्र की बातें करते हैं काले? क्या वो क्रोध सूत्र ऐसा वाला? हां ऐसा वाला। बोलिए बोलिए बोलिए। ओ कामा सूत्र से याद आया, आपकी पत्नी ब्राह्मण है या मराठा? क्यों अचानक क्यों पूछे ब्राह्मण है क्या? नहीं वैसे मेरे होने वाली पत्नी भी ब्राह्मण थी। अच्छा, वो ब्राह्मण मैं मराठा। अच्छा, इंटर का सीनो, वो भी धरवाड़ की रहने वाली थी। धरवाड़? हाँ। अरे चिट्टा, हाँ मेरी पत्नी भी धरवाड़ की रहने वाली है। मेरी गर्लफ्रेंड भी धरवाड़ की रहने वाली है। क्या बात है। अरे काले, इस तरह मैं धारवाड़ के पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नया लगा था। चलिए सिगरेट लीजिए। आप कसम करते हैं आपके लिए हानिकारक है? कौन बोला, कौन बोला? है सिगरेट है, जब जब सिगरेट है। मुझे क्या सिगरेट से खराब की जाएगी? माइटर, तो इस तरह हमारा बेटा, मैं पॉलिटेक्निकल कॉलेज में प्रोफेसर के रूप में नया लगा। अच्छा। पिछले साल की बात है काले, इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आई थी और परीक्षा उत्तीर्ण होते ही नौकरी मिली। सब कुछ मेरे मन के मुताबिक चल रहा, एक जबरदस्त स्मार्टनेस और कॉन्फिडेंस आया। तभी मन में लौंडिया का ख्याल बनने लगा। होना भी चाहिए। तभी मेरा परिचय हुआ उसके साथ। अच्छा, लोहा गरम था।
और मैंने भी मार दिया थोड़ा। वो मुझे उचित समय पे बीड़ी निकाले, वो भी मेरी जैसी अवस्था। अच्छा, नतीजा दोस्ती, और दोस्ती कब प्यार में बदल गई पता नहीं चला। आप समझ रहे हैं ना काले? थोड़ा थोड़ा समझ रहा हूँ, पूरा पूरा समझ जाएगा। तो काले, इस तरह हमारा प्यार धरवाड़ के पॉलिटेक्निक कॉलेज में प्रमाण चढ़ा। वो घंटों बातचीत करना, वो एक दूसरे को देखना, पूछिए मत काले, वो मिलना जुलना, वो चुमा चाटी करना, एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखना। अच्छा काले, आपने कभी अपनी पत्नी को प्रेम पत्र लिखा है? अरे बहुत बार, जब वो मायके जाती है ना तो मैं रोजाना लिखता हूँ। ताकि वो मायके में रहे। हाँ, अरे ऐसा नहीं है वो कि मेरे एक लेटर पर ना दौड़ी चले आएगी। उसका मायका धरवाड़ में जो है। हाँ, धरवाड़ में है। हाँ, इस तरह हमारे शादी का विरोध सुधा के घर हुआ। ज्यादा नहीं, उतना ही जितना इंटरकास्ट मैरिज में होता है, यू नो। वो तो हर जगह। मेरे घर वालों ने तो मुझे भगवान के नाते छोड़ ही दिया। अच्छा, लेकिन भला वो प्रिंसिपल साहब जो इस रिश्ते के लिए राजी हुए। प्रिंसिपल साहब? प्रिंसिपल साहब? हाँ, मेरे होने वाले ससुर आर्ट्स कॉलेज के रिटायर्ड प्रिंसिपल थे। उनका घर और मेरा कॉलेज विश्वविद्यालय के परिसर में था। अरे, उन्हीं की वजह से सुधा और मेरी मुलाकात हुई थी। लेकिन मेरी किस्मत खराब थी, सारा मेरे भी हेडलाइट हो गए। एकदम? हाँ, झूठ बोल रहा ना? प्रिंसिपल गोकर्ण, सुधा और तुम्हारी शादी होना संभव ही नहीं है, संभव। काले, मुझे झूठ बोलने की आदत नहीं है। इस पर तो तू पूरा ही झूठ बोल रहा है, क्योंकि जिसके बारे में बोल रहा है प्रिंसिपल गोकर्ण, दैट मैन इज डेड फॉर मोर देन 2 इयर्स। काले, अब तो आप पति की सीमा तक जा रहे हैं काले। एकदम, इतने दिन धरवाड़ में रहकर भी तुझे पता नहीं है कि प्रिंसिपल गोकर्ण नहीं रहे? हैं, तो झूठ बोल रहा ना तू? आपको विश्वास नहीं होता ना तो मैंने निश्चय पूछ लीजिए। मैं सच कहता हूँ, 9 दिसंबर 1982 को मेरी शादी हुई थी पूरे 1500 लोगों के सामने। काले, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? डॉक्टर को बुलाओ क्या? अरे क्या डॉक्टर को बुलाओ साला, बात करता है। अबे सुधा में एक बेटा है मुझसे जो 7 साल का है। अरे 2 साल पहले मेरे ससुर और मेरे साथ दरबार में रिटायरमेंट जिंदगी गुजार रहे थे, उसी वक्त मेरे ससुर की मौत हो गई। अगर तू चाहता ना तो दरबार के सरकारी अस्पताल में उसकी मृत्यु की नोट दे सकता तू। मैं सच कह रहा हूँ। अगर तुझे कुछ नहीं पता, मैं सच कह रहा हूँ, कुछ नहीं पता तुझे। अरे मेरे ससुर के रहते ही मेरी सास को वो क्या बोलते पागलपन के दौरे पड़ते थे, उसी दौरान उसकी मौत हो गई। मेरे ससुर की मौत होने के बाद तो कुछ ही मत, मेरी सास ने खुद ही खो बैठी बेचारी। उसे निरंतर किसी की आवश्यकता पड़ने लगी। उसी वक्त मेरी आंखों की परिस्थितियां बिगड़ चुकी थी। मेरी सास दरबार छोड़ नहीं सकती थी और हम दरबार जा नहीं सकते थे। आखिरकार मैंने सुधा को दरबार भेजा। सुधा, मेरी प्रियतमा सुधा। अबे मेरी पत्नी सुधा। साला, मेरी पत्नी सुधा। वो मेरी सास के साथ रहेगी और हम मंडू यहाँ रहेंगे, ऐसा तय हुआ। अब 15 दिन बाद हर शनिवार रविवार को हम दरबार जाएंगे, ये भी तय हुआ था। शनिवार रविवार मुझसे मिले नहीं है। तो झूठ बोलना चाहता है, झूठ बोलना। अरे छोड़िए काले, तू तो जवान और आप जैसे अंधे के साथ पूरी जिंदगी बिताने की कल्पना भी मुश्किल रही हो। तभी उसे मैं मिला, जवान कॉन्फिडेंट स्मार्ट और आंखों वाला, इसलिए उसने मुझे जीवन साथी के रूप में चुना। लेकिन मेरी भी किस्मत खराब, साला ये ट्यूमर हो गया। मैंने उदार मन से उसको अपने सास के पास भेजा ताकि मेरे सास को तकलीफ ना हो। मैंने अपने असुविधाओं की परवाह किए बिना मैंने उसे दरबार भेजा।
खुद की शादी में ये भूलकर, खुद का एक बेटा ये भूलकर, उसने पराया मनुष्य के साथ प्रेम किया। पराया? कौन? कौन पराया काले? अब तो हमारा परिचय हो गया है। इसलिए सोचिए दोस्त, अगर आपकी पत्नी से मेरी शादी हो गई होती, तो हम कितने अनोखे बंधन में बन जाते। आपकी सगी पत्नी का मैं सगा पति। आइए काले, गले लगेगा। अरे कमीने कुत्ता साले, मैं तुझे छोड़ बने साले, क्या क्या तुझे साले छोड़ बने, मैं चार पाटा बने। काश हमें आंखें होती, हम भी देख सकते कि किसी का गला कैसे घोटते हैं। पंडरपुर क्या बोल रहे हैं आप? अरे मास्टर घोटने दीजिए ना, अरे माफ दे दीजिए, अरे उसे कुछ नहीं होगा, जियो मोबाइल है वो। पंडरपुर मेरा गला पकड़ा था। काले शांत हो जाइए। अरे देखिए आपका शगुन कितना बढ़िया है। अरे मेरा शगुन खराब क्यों कर रहा है? लेकिन हमारा तो अच्छा रहा है, आज हमारा ध्यान चिंतन अच्छा हुआ, क्यों पंडरपुर? और पता है बोनस के रूप में एक बड़ी मछली भी हाथ में लगी है। मेरी मछली तो भाग गई। शांत हो जाइए काले, मेरी मछली हो गई। पंडरपुर चक्का चुप से रहिए, परेशान मत कीजिए। लगता है जगताप ने इनकी हवा निकाल दी। अच्छा पंडरपुर वो मछली देना। काले मैं आपके लिए मछली फ्राई बनाता हूँ, ठीक है? पंडरपुर और काले का जरा ध्यान रखना, ठीक है? काले आपकी हवा निकाल दी। पूरे तरह बर्बाद हो गया मैं, पूरे तरह बर्बाद हो गया। अरे शांति रखिए, अरे मेरे शांति क्या चाहते हो? कुछ तेरे पत्नी पे लगे भागता धक्का था। अरे शांत हो जाइए काले जी, शांत हो जाइए, ये सिर्फ एक मजाक का हिस्सा है। मजाक? सर तुम लोग खुद मजाक करते हो सर, मैं तो सर। अरे शट अप, चुप हो, बड़े हो। कब से कह रहा हूं मजाक का हिस्सा, मजाक का हिस्सा, ये यहाँ के मनोरंजन का हिस्सा है काले। जरा आप ही बताइए आपकी जिंदगी में थ्रिल कहाँ है? क्या रखा है आपकी रोजमर्रा की जिंदगी में? सुबह का नहाना, फिर चाय, फिर नाश्ता, फिर उसके बाद कार्यालय, फिर लिखा पढ़ी, फिर से चाय, फिर से भोजन, फिर डिब्बा, फिर घर के पान उबले हुए पानी की बोतल, फिर शाम को फिर से चाय, फिर से घर आकर समाचार पत्र पढ़ना, उसके बाद रात को पैंट की जेब से निरोध निकालकर पजामे की जेब में रखना और बच्चों के सोने का इंतजार करना। वाला ये भी कोई जिंदगी है? इसमें थ्रिल कहां है काले? ऐसे ही दिन और वर्ष बीतते चले जाएंगे, उम्र और पदोन्नति के कारण थोड़ा सा बदलाव। वाह, ये तो हाईवे ड्राइविंग हो गया, 100 फीट लंबा चौड़ा चिकना रास्ता जिस पर गाड़ी भगाए जाओ भगाए जाओ। थ्रिल कहां है काले? लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए। हाँ लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए काले, काले लाइफ थ्रिलिंग होनी चाहिए। ए, इसको बता लाइफ थ्रिलिंग कैसे होती है? क्या रखा है? कश्मीर काले, देखिए लाइफ थ्रिलिंग कैसे बनाते हैं? सोचिए आपके हाथ में स्टीयरिंग गाड़ी का, सामने चढ़ाई का रास्ता, एक तरफ खाई और दूसरी तरफ नुकीले पहाड़, सामने का रास्ता बाईं ओर जाएगा या दाईं ओर, इस बात का आपको पता ना हो। समय रात्रि का, गाड़ी फर्स्ट गियर में, सीधा रास्ता, सीधा रास्ता, और टॉप पे पहुंच के आपको समझ आता है कि आपकी गाड़ी में ब्रेक्स नहीं है। काले काले साला, क्या करेंगे आप काले?
क्या करेंगे? इसे कहते हैं सिचुएशन, इसे कहते हैं सिचुएशन। उठिए, हमारी सिचुएशन इससे अलग थोड़ी है। काले हम इस छोटी सी उम्र में अंधे हो गए। टैक्स फ्री हमारे लिए एक मनोरंजन का हिस्सा है, मजा आएगा। रूट टफ है लेकिन गाड़ी चलाने में बहुत मजा आएगा। हाँ बहुत मजा आएगा। हाँ देखा काले, इस सारे पंडरपुर ने आपको कितना लेक्चर मिला है। एक काले, देख बाहर भी जिंदगी है, तुम्हें सुनाई नहीं दिया होगा ना, मुझे सुना। कंडेंसर और ट्रक की टक्कर हुई बाहर, कंडेंसर और ट्रक की टक्कर हुई बाहर, देख जिंदगी उधर भी उजड़ रही है। पर मेरी जिंदगी तो उजड़ रही है लगता। अरे काले, इस पंडरपुर ने आपको इतना लंबा चौड़ा भाषण दिया लेकिन आपकी पत्नी और मेरी प्रेमिका मेरे द्वारा खेले गए नाटक के बारे में एक शब्द भी बोला तो कहिए। अरे काले, उस सुबह आपने मेंबरशिप के लिए फोन किया था। अच्छा, तो मास्टर ने आपसे आपका नंबर पूछा था। तो जब आप घर पे नहीं थे तब हमने फोन किया था, तभी हमारा परिचय भाभी जी से हुआ। और और काले कुल का सारा इतिहास हमारे सामने खुल गया। भाभी जी बड़ी प्यारी बातें करते सारा कुछ बता दिया। बहुत मजा आएगा। जब तक बात काले शांत के जान से मेरा एक ही बीबी ने नाक काट ले। हमारे पास आपको क्लब का सारा बाप रे बाप, यहाँ मिनट दर मिनट थे तो मैं निकल रहा पर चक्का। अरे इसको कैंसर बीमारी और आपको मजाक की जो। अरे इस काले पंडरपुर को आज तक जो लाभ भी नहीं हुआ, कैंसर तो दूर की बात है। अरे केवल मूड क्रिएट करने के लिए था काले। बना दिया क्या जरूरत थी? और बिना सीरियस हुए भी तो मजाक की जा सकती है ना। जा जस्ट किडिंग। आफ्टर ऑल यहाँ सारे अंधे इकट्ठे होते हैं और मनोरंजन करते हैं, यही ना। वेरी नाइस, बहुत बहुत है। तो आपको ये मजाक लगता है क्या? बेंचे के बारे में मालूम होने पर आप इसकी गंभीरता पहचान सकेंगे ना? हाँ बताते हैं, उसे एक सिगरेट दीजिए और एक सिगरेट मुझे भी दीजिए। बाबा सारा सिगरेट खत्म कर दिया तुमने। एक ही सिगरेट तेरे दो में ले। एक है वो एक सिगरेट तो क्या करूँ, कहाँ से पीऊँगा मैं? तोड़ के कौन सिगरेट लेता है बे? दूसरा ये मत काले, असमत। इसके आगे जो होने वाला है वो आप तो पूरे भक्ति भाव और ध्यान पूर्वक करना पड़ेगा। ये करना क्या होगा? आप घटनाक्रम ध्यान में लीजिए। आपका यहाँ प्रवेश कैसे हुआ? आपके लिए सरप्राइज, आप जोर से गिरे, फिर हमारा परिचय, थोड़ा रिलीज, फिर स्नान, एक्साइटमेंट, रोमांस, सेक्स, फिर ब्रेन ट्यूमर, मॉलिंगटन एस्ट्रोसाइटोमा अर्थात डर, सहानुभूति, फिर आपकी पत्नी से मेरा अफेयर, आपके लिए हेल्पलेसनेस, एंगर, फ्रस्ट्रेशन, और फिर ये सब झूठ होने का रिलीज। ये ऊपर नीचे फीलिंग्स है ना काले? बड़ा मजा आया पंडरपुर, बड़ा मजा आया।
लीव खत्म हुआ काले, अब अंतिम गेम, द एंड गेम। अब कहना क्या चाहते हो? बताया से काले, ये कमरा साउंड प्रूफ है, आप चिल्लाएंगे इसीलिए मास्टर ने ये प्रबंध किया। आप भागने का प्रयास भी करें लेकिन दरवाजे से फर्श 5 फीट ऊपर। आपने पागल हो गया, मैं क्यों भागूंगा मैं? इस तरह ये सब कुछ करने के बाद आखिरी कोशिश में आप खिड़की छलांग मारने का प्रयास करेंगे काले। लेकिन लेकिन यहां पर तो खिड़की है ही नहीं, खिड़की सिर्फ कल्पना में, आपको छलांग भी कल्पना में ही लगानी होगी काले। आप लोग पागल हो गए या फिर मुझे पागल होने का भास हो रहा? महीना पूर्व की बात है काले, दृष्टि वापस लाने के लिए 3 अंधों की बलि चढ़ानी जरूरी है। ऐसा भैरवनाथ का सपना हमारे मास्टर को आया। काले हम अंधे जरूर हैं लेकिन अंधे होने पर भी हम अंध श्रद्धालु नहीं। भैरवनाथ के आगे 3 लोगों की बलि चढ़ाई जाएगी, ये बात पता लगते ही हमने इस पर अमल करने की सोची। हम 3 थे, मैं, मास्टर और केंजले और पंडरपुर, इसलिए 3 अंधों की बलि चढ़ाने की आवश्यकता थी। वो अंधे कैसे आए इसी चिंता में मास्टर को ब्लाइंड मैन क्लब खोलने की सोची, फिर इस क्लब का विज्ञापन अखबार में दिया गया, ये देखना तय हुआ कि कोई अंधा आता है कि नहीं। पहले पेड़ से आए फिर उसके होते होते यहां पर, विज्ञापन से लगा जहर भी लोग खुशी से पीते हैं, तो ठीक है ना काले? मैं कहता हूं आप लोग क्या करने वाले मेरे साथ? चलिए जनाब सब तैयार है? हाँ मास्टर सब तैयार है। जगताप वो कैसेट लगाओ। जी मास्टर। आज वो ठीक तो है ना? इस बार ठीक बन जाएगी मास्टर। हाँ कल पेंट से के समय ठीक से बची नहीं थी। पंडरपुर हाँ इसे पकड़ना। मास्टर मास्टर जी क्या हो रहा है? काले ये कमरा किस तरह का है इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। सब कुछ बता दिया मास्टर, खिड़की नहीं है, साउंड प्रूफ आदि सब कुछ। अब सिर्फ वास्तविक कार्यक्रम करना बाकी है काले। काले अंधत्व एक अजीब सी कमी है, जन्मांध या बहुत छोटी उम्र से ही अंधापन आने से व्यक्ति उसे सहजता से निभा सकता है, बिल्कुल एक आंखों वाले व्यक्ति की तरह संतोष के साथ, क्योंकि काले उसके लिए वो आसान होता है। दृष्टि और जीने के लिए दृष्टि की नितांत आवश्यकता होती है, ये कल्पना तो उसके लिए निरर्थक थी। पंडरपुर काले को गुलाल अबीर लगाओ। मैं नहीं लगाऊंगा, मैं नहीं लगाऊंगा, मैं भगवान का भी रंग काले। हाँ छोट भगवान के पास जा रहे हैं आप और ऐसा माथा भगवान को बिल्कुल अच्छा नहीं लगेगा। लगाओ से आप लोग मेरे साथ जबरदस्ती नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते जबरदस्ती आएगा। चुप उसे बांधो। आया मैं ये तो भाग गया मेरा दरगाह। असंभव काले शांति से बैठियो, शांति से बैठिए और सुनिए, जिंदगी की अंतिम घड़ी भी शांतिपूर्ण होनी चाहिए काले। बांधो उसे जनता, सुनिए काले, सुनिए, जिस व्यक्ति ने इन आंखों से दुनिया देखी है, उसकी विभिन्न छटाएं देखी है, रंग देखे हैं, दृश्य देखे हैं, प्रसंग देखे हैं, काले जिसने 2-3 दशक अपने आंखों से अनुभव लिया हो इस दुनिया का, हाँ उदाहरण के रूप में मैं पंडरपुर जगता या तो आप जैसे लोग, काले उसके लिए अंधत्व एक बदकिस्मती है।
अरे पहाड़ गिरने जैसा अंधत्व उन पर गिर जाता है और वो उनके नीचे दब जाते हैं। काले, आज तक जो दिखाई दे नहीं रहा है, जो दिखाई दे रहा है अब दिखाई नहीं देगा काले। ये कल्पना मौत से भी ज्यादा बदतर है काले। भैरवनाथ की आरती याद होगी काले आपको, उसे मन ही मन गुनगुनाना शुरू कर दो। पंडरपुर जब तक आप दोनों को आरती मालूम है, एक महीना पहले मुझे साक्षात्कार हुआ था, ये तो आप जानते ही हैं। हम तीन हैं, इसलिए तीन लोगों की बलि चढ़ानी होगी। पहले थे पेड़ से, दूसरे हैं आप और तीसरे हैं सोनाओं। एक नए मेंबर आ रहे हैं काले, वो कब तक आएंगे चट्टा? शाम को आएंगे मास्टर, ऐसा फोन कर कहा। मास्टर चलेगा, तब तक काले का क्रियाक्रम भी मास्टर पूरा हो जाए। मुझे याद थी, मैं छोरा लेकर आता। हाँ, काले की अंतिम घड़ी पूरे होने आई है। काले, अब आप चिल्ला सकते हैं और खिड़की खोलकर मदद के लिए लोगों को बुला सकती है, क्योंकि सामने खिड़की है। बस ऐसी कल्पना आपको करनी होगी। तो चिल्लाइए काले, चिल्लाइए काले, चिल्लाइए काले। और आप लोग पागल हो गए, बिल्कुल पागल, इन्हें पागल हो गया बड़ो। पेट से मारकर आप लोगों को मुक्ति मिली होगी, लेकिन मुझे मारकर आप लोगों को मुक्ति कभी नहीं मिलेगी। आपको पता मेरे घर पर है, मेरी पत्नी ढूंढते हुए आएगी, याद रखना। एक महीने बाद काले, क्योंकि आप यहाँ एक महीने की छुट्टी पर आए हैं। और हाँ, वैसे भी एक महीने बाद से सोनौने की पत्नी भी यहाँ होगी, लेकिन यहाँ होगा कौन? भैरवनाथ की कृपा से हमने ही नजर के तीर मारते हुए कई और होंगे काले। रुक्मणी जी, कोई बचाओ मुझे, रुक्मणी जी। काले बाम कुत्ते भी नहीं नहला। सारा स्नान इस कैसर में है काले। भगवान जी छोड़ दो, भगवान तैयार हो, भगवान जी छोड़ दो मुझे। मैं छोड़ काटनी है वैसे। भगवान जी छोड़ दो, काट काट। शांति से बैठने दो, आओ काले। अरे भाई, मनोरंजन का तो ज्यादा हो गया उन्हें आज। आओ बैठे, शांति से बैठिए काले, शांति से बैठिए काले। ओ काले, काले लगता है आपकी पूरी टंकी खाली हो गई। मैं पानी लेकर आता हूँ। सुसु तो नहीं किया? हाँ, नाटक ही है नाटक। आप शांत हो जाइए, एप्पल खाइए। ये एक मनोरंजन का भाग है, हर नए मेंबर के साथ होता है, क्यों जगता? वो इस क्लब का मनोरंजन नहीं उठा। हाँ, शाम होते ही चलेंगे, लेकिन उन्हें पूरे महीने की फीस देनी पड़ी काले, पूरे 5001 रुपए। अब आपका क्या इरादा है काले? अरे अरे काले, अब आपका नया पन खत्म हो गया, अब आप नए मेंबर के मनोरंजन का लाभ उठा सकते हैं काले। रुकिए, आप रुकते हैं या चले जाएंगे फिर? नहीं, मैं नहीं रहूंगा। मैं चाचा बाबा। मास्टर, दरवाजे पे लॉक हो गया। अरे जा जा काले, काले काले, आप रुकते हैं या चले जाएंगे फिर? आइए सोनावने जी, आइए। वेलकम टू ब्लाइंड मेंस क्लब।
कैप्टन बनेंगे आइए आइए सुनाले जी आइए वेलकम टू प्लेन मेंस क्लब आइए चौकी पर दरवाजे के आगे बिल्कुल साफ सुथरा है कुछ भी है नहीं आप गिरेंगे भी नहीं आ जाइए वेलकम शाम दे आता हूँ घबराइयो मत मजा आएगा तो मजा आएगा चाहिए वापस चाहिए और फिर से गिर गए